दोस्तों, अपने लाइफ में कोई भी चीज़ खरीदने से पहले हम ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं एंड उसके लिए भी हमारे पास एक रिक्वायरमेंट लिस्ट रहता है। एंड बहुत टाइम ऐसा होता है कि भाई वो जो प्रोडक्ट है वो सारे रिक्वायरमेंट लिस्ट को टिक नहीं करता है। उसी प्रकार से हमारे साथ है वेबर इंडी। एंड ये क्या करता है पता है क्या? ये सारे बॉक्सेस को टिक करने देखता है, कंफर्टेबल बनने देखता है, रोबस्ट बनने देखता है, पावरफुल बनने देखता है। और आज हम क्या करने वाले हैं आपके लिए पता है आपको? इसका एक फुल टेस्ट करने वाले हैं एंड आपको बताएंगे कि ये जो सारे रिक्वायरमेंट्स है ये फुलफिल करता है कि नहीं। लेट्स गो एंड फाइंड आउट। तो ये जो इंडी है इसको हमने काफी चलाया है, एक्सटेंसिवली चलाया है एंड मैं आपको एक चीज बोल सकता हूँ, इट ट्राइज टू बी डिफरेंट। डिजाइन भी जो है काफी अलग लगता है अगर आप कंपेयर करते हैं विद एक्टिवा, बाकी जो मास मार्केट स्कूटर्स है ये सबसे अलग लगती है। सामने की तरफ भी जो है आपको दो हेडलैम्प्स आते हैं विद ट्विन डीआरएल्स, तो इसका जो एक सिग्नेचर लुक है, इवन हम इसको कंट्री साइड में चला रहे थे, विलेज साइड वगैरह में चला रहे थे, काफी लोग इसको देख रहे थे। इनफैक्ट मुझे पर्सनली भी इसका लुक काफी अच्छा लगा है। काफी बड़ा साइज का है ये, इसका जो पूरा फुटप्रिंट है बड़ा है, व्हील बेस भी बड़ा है, प्लस इसका जो ओवरऑल प्रोपोर्शन है आई फील इट इज स्पॉट ऑन। सो कंपनी ये कह रहा है कि दिस इज द एसयूवी ऑफ स्कूटर्स एंड कंपनी ने हमें ये भी बताया है कि दिस स्कूटर इज रोबस्ट, कंफर्टेबल एंड पावरफुल। अब ये जो तीन मेजर पॉइंट्स है उसके बारे में आपको बताते हैं। कंफर्ट इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, सो दिस इज द न्यू बेंचमार्क फॉर स्कूटर्स। एक्सट्रीमली कंफर्टेबल है, राइडर सीट भी बहुत बड़ा है, पिलियन सीट भी काफी वाइड है, सीट बहुत कंफर्टेबल है, प्लस जो फुटबोर्ड भी है फुटबोर्ड भी काफी मैसिव है। उसके साथ साथ आपको फुट पेग्स भी मिलते हैं फॉर द राइडर। अभी तक इंडिया में ऐसे कोई स्कूटर नहीं आया है जिसमें राइडर के लिए फुट पेग्स हो, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास और ज्यादा रूम मिलता है ऑन द फ्लोरबोर्ड। जो हैंडल बार्स भी है वो काफी कंफर्टेबल है, इनफैक्ट ये थोड़े वाइड है अगर आप दूसरे स्कूटर्स के साथ कंपेयर करते हो, थोड़ा वाइड हैंडल बार है, क्लिप ऑन स्टाइल आप बोल सकते हैं हैंडल बार्स को, बट उसकी वजह से काफी सारे कंपोनेंट्स एक्सपोज्ड है, बहुत सारे वेल्ड पॉइंट्स आपको दिखते हैं, ब्रेक लीवर्स भी जो है वो भी कंफर्टेबल रीच में है। तो ओवरऑल राइडर्स ट्रायंगल जो है आप खुद के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको क्रूजर स्टाइल चाहिए आराम से पीछे बैठ के फुट पेग्स पे आप पैर रख सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा एग्रेसिव चाहिए थोड़ा आगे बैठ के यू कैन कीप योर फुट ऑन द फुटबोर्ड। दोस्तों ये एक लौता गाड़ी है जिसमें आपको 14 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं फ्रंट में भी एंड रियर में भी। फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का टायर मिलता है एंड रियर में आपको 120 सेक्शन का टायर मिलता है। उसकी वजह से ग्रिप लेवल्स भी काफी अच्छे रहते हैं, MRF जैपर्स है इसमें लगे हुए, ग्रिप लेवल्स डिसेंट है। उसके साथ साथ जो सस्पेंशन है वो थोड़े सॉफ्ट साइड पे ट्यून है। फ्रंट में आपको डुअल टेलीस्कोपिक शॉक्स मिलते हैं एंड रियर में आपको गैस चार्ज डुअल शॉक्स मिलते हैं। तो ओवरऑल जो कंफर्ट लेवल्स है विद द राइडर्स ट्रायंगल, वाइड हैंडल बार्स, बिग व्हील्स एंड सॉफ्ट सस्पेंशन, उसके वजह से ये जो बाइक है बहुत कंफर्टेबल है। अभी बात करते हैं पावर के बारे में। इसमें आपको 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है विद अ मिड ड्राइव मोटर। पावर डिलीवरी जो है 3 मोड्स के हिसाब से आता है, तो इसमें आपको 3 मोड्स आते हैं, एक है इको, एक है राइड एंड एक है रश। तो नाम के हिसाब से इको मोड जो है आपको सबसे कम पावर देगा बट सबसे ज्यादा रेंज देगा। तो अगर रियल वर्ल्ड रेंज का बात की इको मोड में तो आपको अराउंड 120 किलोमीटर का रेंज देखने मिलता है, बट दैट कम्स एट अ कॉस्ट। इसका जो पावर डिलीवरी है वो बहुत स्लो हो जाता है, इवन द टॉप स्पीड अराउंड 50-60 के आसपास आप देख सकते हैं। तो ये जो मोड है इट इज बेटर टू यूज इन द सिटी। राइड मोड जो है वो पूरा बैलेंस्ड है, आपको रेंज भी ठीक ठाक देता है एंड आपको पावर भी ठीक ठाक देता है, सो दोनों तरफ से यू गेट डिसेंट नंबर्स। अगर आप टॉप स्पीड का बात कर रहे हैं इन द राइड मोड, उसमें आपको अराउंड 75 किलोमीटर्स का टॉप स्पीड देखने मिलता है और जो रियल वर्ल्ड रेंज है वो 90 किलोमीटर्स के आसपास है। रश मोड जो है दैट इज द टॉप ऑफ द लाइन मोड बिकॉज इसका जो पावर आउटपुट है काफी अच्छा है, 26 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जो है आपको इंस्टेंटली मिलता है। टॉप स्पीड भी जो है कंपनी ने हमें कहा है कि 90 किलोमीटर्स के आसपास मिलना चाहिए, बट रियल वर्ल्ड में जब हमने देखा हमें मिल रहा था अराउंड 84-85 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। बट अगर आपको ये गाड़ी का मजा लेना है चलाने के लिए तो यू शुड कीप इट ऑन द रश मोड। तो अभी इसमें 4 किलोवाट आवर का बैटरी आता है, तो इसका चार्जिंग का क्या? तो कंपनी इसके साथ 800 वॉट्स का चार्जर दे रही है जो बाइक को अराउंड 5 आवर्स में ये 80% चार्ज करके देगी। उसके साथ साथ फास्ट चार्जर के ऑप्शंस भी अवेलेबल रहेंगे इन द फ्यूचर, बट अभी के लिए 800 वॉट्स कंपनी दे रहा है। बट इसका जो चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पर लोकेटेड है, जो ग्लव कंपार्टमेंट है उसको आपको खोल के अंदर एक छोटा लीवर है, आप उसको पुल करेंगे तो यहाँ पर ये जो फ्लैप है ऑटोमेटिकली खुल जाएगा एंड आप यहाँ पर चार्ज कर सकते हो। अभी बात करते हैं फीचर्स के बारे में। अभी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है
कि इसमें कम से कम कुछ ना कुछ फीचर्स रहने चाहिए। आई मीन इट्स अ सैड पॉइंट, बट इसमें आपको कोई TFT स्क्रीन नहीं आता है, आपको एक LCD स्क्रीन आता है। कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स दिखते हैं, लाइक स्पीड दिखता है, आपका रेंज, आपका बैटरी, ओडोमीटर है, Trip 1, Trip 2 आपको मिलता है। उसके साथ साथ जो राइडिंग मोड्स है वो भी दिखते हैं, एंड जो ब्रेक रीजनरेशन है उसका भी इंडिकेशन इधर दिखता है। इसका जो ब्रेक रीजनरेशन है वो भी काफी अच्छा चलता है। इसमें एक स्पेशल काइंड ऑफ ब्रेक रीजनरेशन आता है, एंड कंपनी उसको बोल रहा है कि इट इज एन एडेप्टिव ब्रेक रीजनरेशन। आपको जो ड्राइविंग स्टाइल है ये बाइक उसको स्टडी करता है, उसके हिसाब से ब्रेक रीजनरेट करके देता है। तो आपका जो रेंज है, रेंज भी आपका थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। अभी जब हमने इसको चलाया इको मोड पे तो हमें दिखा रहा था 81%। इधर काफी ट्विस्टी रोड्स वगैरह पे चलाया तो रीजनरेशन काफी अच्छा काम किया, एंड चलाने के बाद 81 से 82 हो गया। बट ये अलग बात है कि उसके बाद काफी जल्दी बैटरी कम हुआ, बट ब्रेक रीजनरेशन काफी अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ आपको इसमें रिवर्स मोड भी मिलता है, बाकी स्कूटर्स में भी मिलता है, एंड इसमें भी आपको सेम टाइप का फीचर मिलता है। तो इट इज वेरी इजी टू यूज, आपको यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं। उसके साथ आप पार्क मोड यूज कर सकते हैं जिसमें आपको रिवर्स का ऑप्शन भी है, फॉरवर्ड गियर भी है। अभी बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी के बारे में। ये स्कूटर में भर भर के एक प्रैक्टिकलिटी दिखता है हर जगह पर। सामने की तरफ आपको 12 लीटर का ग्लव बॉक्स मिलता है, एंड डिसेंट साइज है। इसमें एक USB चार्जर भी इनबिल्ट है, तो आप फोन आराम से इसमें चार्ज कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको इसमें 43 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इट इज क्वाइट ह्यूज। इनफैक्ट इसके अंदर फुल साइज हेलमेट आराम से बैठता है। अगर आपको ये स्पेस भी कम लग रहा है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप पैनियर्स लगा सकते हैं इसमें ऑन बोथ द साइड्स, और अगर आपको वो भी कम लग रहा है तो आप इधर टॉप बॉक्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। इतना ज्यादा स्टोरेज का ऑप्शन है इसमें। अभी बात करते हैं रोबस्टनेस के बारे में। तो कंपनी बोल रहा है कि दिस इज अ वेरी रोबस्ट स्कूटर, बट इसके ऊपर मुझे कहना है हर एक प्रोडक्ट एकदम परफेक्ट नहीं रहता है, तो इसमें भी थोड़े इम्परफेक्शंस हैं, एंड वो जो इम्परफेक्शंस हैं आई विश कि भाई कंपनी एटलीस्ट प्रोडक्शन मॉडल में उसको ठीक करके देता। अभी जैसे जो पैनल गैप्स है, जो ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी है हर जगह पर, इट इज नॉट अप टू द मार्क एट ऑल। जब भी हम राइड कर रहे थे, छोटे मोटे बम्प्स में जब भी जा रहा था ये गाड़ी, रैटलिंग आवाज आ रहा था, प्लास्टिक का शटर आवाज आ रहा था। आई डिडंट लाइक दैट एट ऑल। आई होप कि भाई कंपनी इसको फ्यूचर में रेक्टिफाई करे जल्द से जल्द। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इज नॉट दैट ग्रेट एट ऑल, बट लुक्स में इट लुक्स रियली गुड। जो पेंट क्वालिटी है, पेंट क्वालिटी ठीक है, प्लास्टिक क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बट बाकी के जो साइकिल पार्ट्स है, मेटल पार्ट्स है, उसके क्वालिटी काफी अच्छे है। जो ओवरऑल चैसी है, चैसी अच्छे से परफॉर्म करता है, सस्पेंशन अच्छे से परफॉर्म करता है, उसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है। इसमें एक और एक मेजर ड्रॉबैक है, ये जो बाइक है काफी अट्रैक्टिव तो लग रही है, बट इट इज अवेलेबल ओनली इन बैंगलोर। सिर्फ बैंगलोर के शहर में ये अवेलेबल है, बाकी कोई भी मेट्रो सिटीज में एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है, नॉट इवन इन पुणे, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद। तो कंपनी ये कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर डीलरशिप नेटवर्क सेटअप करेंगे, एक्सपैंड करेंगे बाकी सिटीज में भी, बट अभी के लिए सिर्फ बैंगलोर में अवेलेबल है। दोस्तों लास्टली वी कम टू द प्राइस। ये जो बाइक है इट इज प्राइस एट 1,25,000 रुपीज, इंट्रोडक्टरी प्राइस है, एंड वो भी सिर्फ बैंगलोर के लिए। एंड अभी एट दिस पॉइंट इंट्रोडक्टरी प्राइसेस भी खत्म हो चुके हैं, एंड कंपनी ये कह रहा है कि सितंबर एंड में इसके नए प्राइसेस रिवील होंगे विद द फेम टू सब्सिडीज, तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो वी आर गेसिंग अराउंड 1,35,000-1,38,000 रुपीज। सो अगर आप वो प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे 1,35,000 के आसपास, तो आपको एक अच्छा खासा प्रैक्टिकल स्कूटर मिलता है, डिसेंट पावर मिलता है आपको, डिसेंट ड्राइवेबिलिटी मिलता है, एंड ओवरऑल जो पैकेज है इट्स क्वाइट गुड। छोटे मोटे जो है प्लास्टिक क्वालिटी, स्विच गियर क्वालिटी, उसको तो इम्प्रूव किया जा सकता है। आई होप द कंपनी इज लिसनिंग टू मी। सो दोस्तों दैट इज व्हाट द रिवर इंडी इज ऑल अबाउट। आपको ये बाइक कैसा लगा? अगर आप मार्केट में बाइक खरीदना चाहते हैं, कोई ईवी खरीदना चाहते हैं, तो आप कौन सा खरीदेंगे, रिवर इंडी या फिर इसके राइवल्स? एंड राइवल्स भी कौन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।